हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू शिक्षा प्रवाह। तो आज 10th क्लास के बच्चों ने दिया है अपने मैथ्स का मिड टर्म एग्ज़ाम। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका सॉल्यूशन। ऑफिशियल आंसर की इसकी इवनिंग में आ जाएगी। इवनिंग में आप अपने सही आंसर टैली कर सकते हैं। तब तक हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको आप यहाँ पर टैली कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो उसका करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए होगा ऑप्शन बी, -5/3। इसके बाद बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन सी, R1 + R2 = R। ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको sec p -4θ का मान यहाँ पर निकालना था। इसका आंसर रहेगा आपका 3a 1/4। क्वेश्चन नंबर 4, शून्यांकों -3 और 5 वाला बहुपद इसमें आपसे पूछा गया है। इसका पहली ही इक्वेशन आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ये इंग्लिश मीडियम पेपर यहाँ पर आप लोगों का दिख रहा है सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, -8/5, -8/5 और 7/5। ये इसकी वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से θ = 30° दिया है, तो आपसे मान पूछा है, वैल्यू पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर रहेगा 1/17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका समीकरण युग्म x + y b - a। इसका आंसर यहां पर आपसे पूछा है, x और y की वैल्यू इन्होंने आप लोगों से निकालने बोला है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, x = a और y = -b। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपसे पूछा गया है बहुपद 6xa² यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू आपकी निकलेगी ऑप्शन डी, यानी कि -7। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जिसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक्स की वैल्यू निकलेगी आपकी 3, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है समीकरण निकाय, जिसके अंदर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 11 के अंदर आप जाएंगे बी के साथ, है ना, 2/5 और 1। ये आपकी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, sec θ - tan θ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से लगी है, आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकलेगी 60°, ऑप्शन बी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको थीटा निकालना है, तो ये निकलेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 90°। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आपको शून्यांकों की संख्या निकालनी है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, 3 इसका आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, 6 and 6। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो शून्यक हैं तो वो समान हैं और ऋणात्मक हैं, इसका आंसर रहेगा बी। 18 में आपसे पूछा है के की वैल्यू, तो 18 का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब के इक्वल टू नहीं है 9/2 के। और क्वेश्चन नंबर 20 जो आप लोगों से 19 और 20 जो पूछा गया है, तो 19 के लिए जो आपका रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। और 20 का रहेगा ए, यानी कि दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी दोनों की एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स। इसके अंदर मैक्सिमम आंसर्स बेटा आप लोगों के सही होंगे,
और हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में एक दो आंसर जो है वो बदल करके आ जाए। तो ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए आपको शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और शाम को 6 बजे तक आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, जहां पर आप अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। शिक्षा प्रवाह को आप सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि यहां पर आपको अपने बाकी सभी सब्जेक्ट की ऑफिशियल आंसर की पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा आपके बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ पेपर कैसा गया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।